गंगापुर की पवित्र पूजित धरती पर आयोजित आज इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय भजनलाल जी, राजस्थान के सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष, चित्तौड़ के सांसद आदरणीय के बीच में नहीं आते हैं। फिर मतलब क्या है?
तो भाव ये बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के मुखिया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई सीपी जोशी जी, हमारे बीच में जिन्होंने आपने जिनको सुना और ठीक कह रहे थे कि वो चुनावों से पहले भी आपके बीच में आए थे, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दी हुई गारंटी और देकर के आपको गए थे, ऐसे हमारे जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, मेरे मंत्रिमंडल में मेरे साथी भाई जवाहर सिंह जी बेडम साहब, यहाँ के लोकप्रिय सांसद सुखबीर सिंह जी जौनप्रिया, हमारे विधायक जितेंद्र कोटवाल जी, हमारे पूर्व विधायक मान सिंह जी गुर्जर साहब, प्रदेश के हमारे उपाध्यक्ष भाई मुकेश आदि जी, पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष सुशील दीक्षित जी, शिव रतन अग्रवाल जी, मंजू गुर्जर जी, राजेंद्र मीणा जी, विजय बैसला जी और मंच पर विराजमान सभी नेतागण, और मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप निश्चिंत रूप से रहिए, 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण की परिभाषा बदल दी, देश में विकास की परिभाषा बदल दी, देश में सीमाओं की सुरक्षा की परिभाषा बदल दी। पहले कोई आते थे किसी बाजार में बम फोड़ करके चले जाते थे, रेलवे स्टेशन पर बम फोड़ के चले जाते थे, आज अगर कोई हजरत इस तरह की हरकत करने की सोचता है तो उसको कैसा अंजाम मिलता है, ये मोदी जी का जमाना है। आपने देख लिया पूरी अरुण बाबा का किस तरह से उनका हश्र किया था, दुनिया में तीसरे नंबर का देश भारत बना कि अंदर जाकर के भी उनको मार गिराया, अंदर जाकर के भी सबक सिखाने का काम किया, तो देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, आने वाले चुनाव में लगातार हम दो बार से 25-25 सीट दे रहे हैं, हमें यह भी भरोसा है आने वाले समय में भी 25 सीट देंगे, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों कि आने वाले समय में एक भी बूथ ऐसा नहीं रहे, एक भी बूथ ऐसा नहीं रहे जिसमें भारतीय जनता पार्टी की बढ़त नहीं हो, और बढ़त भी कम नहीं, जोरदार बढ़त हो, ज्यादा से ज्यादा बढ़त हो। उन लोगों को भी समझाइए जो हवा के झोंके के तरफ ध्यान देते हैं, उनको भी बताइए कि अगर इस देश का विकास चाहिए, प्रदेश का विकास चाहिए, जिले का विकास चाहिए, हमारी विधानसभा का विकास चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी को जिताना होगा, भारतीय जनता पार्टी को जिताना। यही आग्रह करना चाहता हूं, आप हमें काम बताते चलिए, आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी का हमारा कार्यकर्ता रहता है, चाहे आप बूथ अध्यक्ष हो या मंडल के पदाधिकारी हो, जिले के पदाधिकारी हो, हमारे जनप्रतिनिधि हो, आपके बीच में रहते हैं, इतना विश्वास आपको मैं दिलाता हूं, अगर आपके बीच में किया हुआ वायदा हमारे कार्यकर्ता ने किया है तो निश्चित रूप से वो वायदा हम आपके बीच में जाकर के उसको पूरा करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो आने वाला समय आपका है, आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं जोरदार बंपर के द्वारा, और हमने कहा है कि कोई भी लोकसभा ऐसी नहीं हो तो 5 लाख से कम से हम वोटों से जीते, 5 लाख से ऊपर से वोटों को हर लोकसभा को जिताना है, और माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आप इतने अंधेरे में आपने 5 घंटे इंतजार किया, हम लेट हुए इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन लेट तक आप इतनी बड़ी संख्या में आए, दिल की गहराइयों से आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जय जय भारत।
और इतने दिन से ये योजना कांग्रेस के लोगों ने लटका रखी। यहाँ के भी माननीय विधायक ने कहा कितना पानी देंगे, हमने कहा आपको कितना चाहिए, आपको कितना चाहिए, बोले हमको 3500 चाहिए, मिल गया हम 3600 कर देंगे। बोलिए और क्या कहते हो आप? अभी मैंने सुना था, क्योंकि उनको अंदाज तो है नहीं, मैंने वहां भी कहा था उनके मिल गए, आपको पर्ची लिख करके दे देता है, आप बोल देते हैं, आपको पता ही नहीं है। मैंने सुना आपको कह रहे कि साहब नहीं इससे भी ज्यादा दीजिए, अरे आप हमें लिख करके बता दीजिए कितना देना है। हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार है, हम किसी भी तरह से पूर्वी राजस्थान के किसी भी जिले में पानी की कमी नहीं आने देंगे, ये हम आपके पीछे लगा रहे हैं। हम किसान की समस्या को समझते हैं, हम गरीब की समस्या को समझते हैं, हम महिलाओं की समस्या को समझते हैं, हम युवाओं की समस्या को समझते हैं। आपने युवाओं के साथ कुठाराघात किया था, 19 पेपर में से 17 पेपर लीक किए थे, हमने युवाओं से वादा किया है कि पेपर लीक करने वाले को हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, और हमने आपके बीच में एसआईटी भी गठित किया और उनको पकड़ना भी प्रारंभ कर दिया है। 25 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया है। अभी अभी कहां से लाए थे? नेपाल से पकड़ के 4 लोगों को लेकर के आए हैं, 2 लोगों को वहां से, 2 लोगों को यहां से पकड़ा है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं जिन्होंने युवाओं के साथ कुठाराघात किया है उनको किसी भी कीमत पर बक्सा नहीं दिया जाएगा, ये हम आपको विश्वास करते हैं। मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके बीच में जाता है, आपके दुख में सुख में हमेशा शामिल होता है, और अगर आपको वो गारंटी देता है तो मैं आपको कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की गारंटी यानी मोदी जी की गारंटी यानी कि पूरा होने की गारंटी हम देते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने घोषणा पत्र आपके सामने लेकर के गए थे, आपने हमारे उस घोषणा पत्र पर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी की आपने सरकार बनाई। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों, हमारी केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, तो आपके बीच में जिन वादों को लेकर के हम जाएंगे निश्चित रूप से एक एक वादे को हम पूरा करेंगे, क्योंकि हम जनता के दुख को जानते हैं, जनता के दर्द को जानते हैं, हम किसान के दर्द को जानते हैं। जब किसान अपने खेत में जाता है, काम करता है, पसीना बहाता है, तो उसकी फसल का दाम बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, आपसे मैं पूछना चाहता हूं। हमने किया है, हमने आपसे वादा किया कि गेहूं की एमएसपी हम बढ़ाएंगे, हमने पहली किस्त में 2275 रुपए थे, हमने 2400 बढ़ाने का काम आपके बीच में किया। हमने कहा किसान सम्मान निधि, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6000 रुपए देते हैं, हम सब किसान के सम्मान निधि को 12000 रुपए करेंगे। प्रथम किस्त हमने चालू कर दिया है और हमने पहली किस्त में 6000 से 8000 रुपए कर दिए हैं।